नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 13 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 एसडीएम सहित 50 अधिकारियों के तबादले। राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 एसडीएम सहित 50 प्रशासनिक अधिकारियों को तब्दील किया है। इसके तहत एक आईएएस एवं 49 एचएएस अधिकारी तब्दील किए गए हैं, जबकि 6 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। तब्दील किए गए एकमात्र आईएएस अधिकारी नवीन तनवर को एसडीएम चंबा से एसडीएम कांगड़ा के पद पर तैनाती दी गई है। जिन 6 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है, उनमें अतिरिक्त सचिव शहरी विकास एवं टीसीपी विनय कुमार को, निदेशक संपदा, संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार मोहन दत्त को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त सचिव राजस्व अनिल कुमार को AC2 डिविजनल कमिश्नर शिमला, सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन कविता ठाकुर को सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की, AC2 DC लाहौल स्पीति डॉक्टर रोहित शर्मा को प्रोजेक्ट ऑफिसर ITDP केलांग तथा प्रोजेक्ट ऑफिसर ITDP रिकांगपियो बिमला देवी को AC2 DC रिकांगपियो का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल में 38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, 1379 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को औद्योगिक राज्य स्तरीय समिति की बैठक में 38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। इनमें 25 औद्योगिक, 11 पर्यटन और 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल है। इसके लिए 476.35 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इन औद्योगिक इकाइयों से हिमाचल प्रदेश में 1379 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी खबर, धर्मशाला से धर्मशाला विधानसभा के बाहर विवादित झंडे लगाने का आरोपी हरवीर सिंह कोर्ट में पेश, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। धर्मशाला विधानसभा के मुख्य गेट पर विवादित झंडे लगाने और दीवारों पर नारे लिखने के मुख्य आरोपी हरवीर सिंह को पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी हरवीर सिंह को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी हरवीर सिंह को मीडिया की नजरों से बचाते हुए पिछले दरवाजे से अदालत ले गई। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपी हरवीर सिंह के लिए 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अदालत की ओर से 4 दिन का रिमांड दिया गया है। शिमला में HRDC पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर और वित्तीय लाभ समय पर न मिलने पर वीरवार को शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के पेंशनरों ने भाग लिया। संगठन का कहना है कि सरकार को पेंशनर लंबे समय से अपने मांग पत्र सौंप रहे, लेकिन आज दिन तक केवल उनके साथ भेदभाव ही हुआ है। हर महीने की 1 तारीख को पेंशन नहीं आ रही है। जुलाई 2015 से लंबित DA मेडिकल बिलों का भुगतान आदि मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता नहीं दिखाई है। अब पेंशनर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर है। पेंशनर संगठन के राज्य अध्यक्ष KC चौहान ने प्रदेश सरकार को चेताया कि पेंशनरों की अनदेखी की विधानसभा चुनाव में सरकार पर भारी पड़ सकती है। HRDC पेंशनरों की 350 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारियां लंबित है। HRDC से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। कुछ माह पहले सरकार और पेंशनरों ने माह के पहले सप्ताह में पेंशन देने का वायदा किया था। पेंशनरों को विलंब से पेंशन मिल रही है, जिससे उन्हें बुढ़ापे के समय में वित्तीय तंगी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम से जल्द राहत देने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है, तो आने वाले समय में आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। वेदर अपडेट, कुल्लू और लाहौल में चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में खिली धूप। कुल्लू और लाहौल में ऊंची चोटियों पर गुरुवार को लगातार 3rd दिन भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में शुक्रवार को भी बारिश के आसार है। शनिवार और रविवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 16 मई द्वारा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर कई क्षेत्रों में बादल बरसने की संभावना है। गुरुवार दोपहर को रोहतांग समेत बारालाचा, कुंजम दारा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मोलकेला, नीलकंठ, मकबरे, सिकबरे में बर्फ के फाये गिरे हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है। मनाली लेह के साथ ग्राफू, काजा और दारचा श्रृंखला मार्ग पर वाहनों की आवाजाही गुरुवार को सामान्य रही। जिला में गर्ज के साथ हुई बारिश से किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। अब शिक्षण संस्थानों में जरूरी विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा स्पोर्ट्स।
प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अब स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइंस तैयार कर ली गई है। इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक 2022-23 शैक्षणिक सत्र से विद्यालय और कॉलेजों में स्पोर्ट्स अनिवार्य विषय होगा। इसमें छात्रों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इंस्टीट्यूट में अब फिजिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर और हेल्थ एक्सपर्ट भी नियुक्त करने की बाध्यता होगी। खबर धर्मशाला से, केंद्रीय विद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक होगी गर्मियों की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी। सीओ प्रशासन 1 अगस्त 2022 से मानसून सेमेस्टर शुरू करेगा। इस संदर्भ में अधिष्ठा अकादमिक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने सीओ के कुलपति के आदेश अनुसार अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीओ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एंड टर्म एग्जाम 20 जून से 3 जुलाई 2022 तक होगी। गर्मियों की छुट्टियां 4 से 31 जुलाई तक रहेगी। अकादमिक कैलेंडर 2022-23 मानसून सेमेस्टर के नए सत्र की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। इस दौरान सीओ प्रशासन मिड टर्म परीक्षाएं 3 से 14 अक्टूबर तक करवाएगा। खबर मंडी से, पांच तत्वों में बलीन हुए पंडित सुखराम, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य रहे पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मंडी में ब्यास नदी किनारे हनुमान घाट में दोपहर करीब 2:15 बजे उनके पुत्र विधायक अनिल शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने नामांकन से विदाई दी है। खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से, पुलिस ने आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से किया इनकार। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जीओ भर्ती गड़बड़ी मामले में कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से पुलिस विभाग ने इनकार कर दिया है। अब जीओ भर्ती का परीक्षा परिणाम लटक गया है। इससे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। विनियामक आयोग ने 78 निजी बीएड कॉलेजों पर बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के 78 निजी बीएड कॉलेजों पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने जांच बिठा दी है। कॉलेज परिसर बनाने के लिए धारा 118 की मंजूरी सहित भवनों के एग्रीमेंट और अनिवार्य दस्तावेज इन कॉलेजों से तलब किए गए हैं। कई बीएड कॉलेजों पर गलत जानकारियां देकर एनओसी लेने के आरोप संबंधी शिकायतें मिलने के बाद आयोग ने जांच करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश मुजहरियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत ही गैर हिमाचली को भूमि खरीदने की मंजूरी मिलती है। आरोप है कि प्रदेश में कुछ निजी बीएड कॉलेजों ने धारा 118 की मंजूरियां नहीं ली है। ऐसे में विनियामक आयोग ने सभी संस्थानों से इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। प्रशिक्षण बागवानी के गुरसिख ने ऑस्ट्रिया इटली जाएंगे हिमाचल के अफसर। बागवानी के गुरसिख ने हिमाचल प्रदेश के 3 आईएएस एवं 1 एचएएस अधिकारी ऑस्ट्रिया और इटली जाएंगे। वीरवार को सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक बागवानी डॉक्टर आरके प्रोति, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपूर्व देवगन और हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर शिमला से रवाना हो गए। शुक्रवार को अधिकारी नई दिल्ली से उड़ान भरेंगे। बनी रहे सत्ता, 1 महीने में तीसरी बार हिमाचल पहुंचेंगे आज जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को सफलता दिलाने के लिए पार्टी संगठन अभी से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर एक एक विधानसभा की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वयं अपने हाथों में ले रखी है। अगले वर्ष जनवरी महीने में समाप्त हो रहे अपने कार्यकाल का अंत भी अपने गृह प्रदेश हिमाचल में जीत के साथ करना चाहेंगे। आता उन्होंने प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या भाजपा यूपी उत्तराखंड बालक रेस्मा हिमाचल प्रदेश में भी दोहरा पाएगी, इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। हिमाचल में खनन माफिया ने वन विभाग और पुलिस कर्मियों पर किया हमला, इंस्पेक्टर का किया अपहरण। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पौंटा साहिब के रामपुर घाट क्षेत्र में खनन माफिया ने पुलिस और खनन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मामला बुधवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया यमुना नदी के चौरास्ते से खनन सामग्री ट्रक से ले जा रहे थे। पुलिस और वन विभाग के कर्मियों ने खनन माफिया को रोकने का प्रयास किया तो माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया। माइनिंग इंस्पेक्टर किसी तरह से माफिया के चुंगल से छूटकर भागा। खनन माफिया ने पुलिस जवान और वन विभाग कर्मी से मारपीट भी की है। इस संबंध में थाना पोंटा में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
लोक सेवा आयोग ने 9 महीने के बाद जारी की सैट की संशोधित सूची। राज्य लोक सेवा आयोग ने करीब 9 महीने के बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट की संशोधित सूची जारी कर दी है। संशोधित सूची में 13 विषयों में 27 और अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। ये अभ्यर्थी अब प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी पात्र हो गया है। खबर चंबा से, चिल्ली में चढ़ाई पर हांप गई HRDC की बस, यात्रियों को 200 मीटर चलना पड़ा पैदल। हिमाचल प्रदेश के चंबा सनवाल रूट पर निकली HRDC की बस वीरवार दोपहर 3 बजे चिल्ली के पास चढ़ाई चढ़ते समय बीच रास्ते में हांफ गई। ऐसी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 10 बजे चंबा बस अड्डे से चिल्ली रूट पर HRDC बस यात्रियों को लेकर रवाना हुई। दोपहर 3 बजे चिल्ली में चढ़ाई पर बस हांफ गई। बस के चढ़ाई न चढ़ने पर चालक ने बस में बैठी सवारी को नीचे उतारे और जैसे तैसे बस को समतल छोर पर पहुंचाया। इस दौरान यात्रियों को कड़ाके की धूप में 200 मीटर तक का पैदल सफर करना पड़ा। खबर मंडी से, नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, दोस्तों ने बोरी में बांध कर खड़ में दबा दिया सब। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धर्मपुर के थडू गांव में 26 अप्रैल को लापता हुए 19 साल के धीरज का शव पुलिस ने गुरुवार को बकरखड़ से बरामद किया है। शव को रस्सी से बांध कर दबाया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि छात्र ने सिखा दी है। कुछ दोस्तों के साथ नशा करते वक्त ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। डर के मारे दोस्तों ने शव को बोरी में बांध कर खड़ में दफना दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। विधानसभा के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को हाईकोर्ट से नोटिस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचेतक विधायक विक्रम जरियाल और उप मुख्य सचेतक विधायक कमलेश कुमारी को नोटिस जारी किया है। दोनों से कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गौरव की राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2021 को पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा की मृत्यु के बाद विक्रम जरियाल को मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्ति दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी को न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने टेकचंद व अन्य 3 याचिकाकर्ताओं के उस आवेदन को स्वीकार किया है जिसके तहत मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को प्रतिवादी बनाए जाने की गुहार लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि दोनों को सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। प्रदेश में पहले से ही 12 मंत्रियों के चलते 15% की संख्या पूरी है। इस कारण याचिका में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 2018 के तहत असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। गौरव की सचेतक का पद मंत्री के पद के बराबर रखने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि उसे मंत्री नहीं कहा जाता है, लेकिन उसे मंत्री के समान सुविधाएं मिलती है। अब संस्कृत को भी ट्रांसलेट करेगा सर्च इंजन गूगल, 8 भारतीय भाषाएं गूगल अनुवाद में शामिल। सर्च इंजन गूगल ने अपने गूगल अनुवाद प्लेटफॉर्म में संस्कृत सहित 8 भारतीय भाषाओं को शामिल किया है। सर्च इंजन कंपनी ने कहा है कि 30 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 24 नई भाषाओं को गूगल अनुवाद प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि इनमें संस्कृत सहित उत्तर भारत में बोली जाने वाली मैथिली और भोजपुरी भी शामिल है। इसके अलावा असमिया, डोगरी, कोकनी, मिंजो और मैथिलोन मणिपुरी जोड़ा गया है। इन भारतीय भाषाओं को जोड़ने के बाद गूगल अनुवाद में भारतीय भाषाओं की कुल संख्या 19 हो गई है।